जाएं सावधान, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस। भारत में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,409 नए केस दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 मरीजों की मौत हुई है। पिछले एक दिन के अंदर देश में 22,697 लोगों ने कोरोना को मात दी है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो देश में अब तक 4,39,79,730 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 1,43,988 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 22,697 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 4,33,09,484 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से कुल 5,26,258 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से रिकवरी दर की बात करें तो ये 98.5% है। गुरुवार को देश में 3,98,761 कोरोना सैंपल की जांच की गई है। आपको बता दें, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां हर रोज 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,128 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6.56% है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार छठे दिन संक्रमण की दर 5% से ज्यादा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 19,51,930 हो गई है, जबकि इस महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या दिल्ली में 26,307 है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,203 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,41,454 हो गई है। इसके अलावा कर्नाटक में 1,889 मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में 1,837 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 1,712 और पश्चिम बंगाल में 1,495 मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 10.42% बना हुआ है। इससे पहले बुधवार को ये 8.55% था। यहाँ पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें, देश भर में 1 जून से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 जून को देश में 4,372 केस मिले थे, लेकिन इसके बाद से ही कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले करीब 2 महीने से कोरोना के दैनिक मामले 15,000 से 20,000 के बीच आ रहे हैं, जो वाकई चिंता की बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।